बलेरो न्यू हमारे पास आई थी आज यूपी से, जो N10 के अंदर ग्रिल लग गया था, सेम ग्रिल लग गई। तो फुल DRL है, प्लस इंडिकेटर है, 200 वाट की LED है, 2 साल की गारंटी है, नीचे 100 वाट की LED है, 1 साल की गारंटी है। 23 गार्ड भी इंस्टॉल किया है और 9000 प्लस का रेट है। आप हमारे से 5,554 रुपए में लगवा लो। मैं 1600 में डोरवाइजर लगाया, महिंद्रा लेता 3500 रुपए जो कि मैटिक्स है। अरे भाई इतना सॉलिड होने वाला ना, आप इसमें खड़े भी हो जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये हमारी फ्लोरिंग मैट नीचे किया है, डायरेक्ट इस पे पैर रखेंगे तो ये घिस जाएगा जल्दी। आप अलग से थाई सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो भाई, अलग से फोम पैडिंग वगैरह एक्स्ट्रा डाली जाती है, सारी चीजें। N10 में आर्मरेस्ट लग के आता है, कंपनी वही फिटिंग है, प्रॉपर फंक्शनिंग वाला रहने वाला है। तो गाइज अपनी N4 मॉडल अब तैयार हो चुका है, बलेरो न्यू हमारे पास आई थी आज यूपी से। तो भैया क्या क्या आज करके दिया हमने इस N4 मॉडल में? N4 आया था और N10 और N4 में कोई अंतर अब नहीं बचा। ठीक है वो भी जो चीज रह गई वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है, और जो चीज हुआ है वो भी बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो N10 के अंदर ग्रिल लग गया था, सेम ग्रिल लग गई, ग्रिल आप देख सकते हो जो कि जेन्युइन महिंद्रा रहने वाली है, जेन्युइन, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा जो लगी हुई है हमारी DRL जो N10 में नहीं आता, N10 में ये आपको खाचा दिख रहा होगा, यहीं तक लाइट आता है और वो डीम होता है, पता भी नहीं चलता है, इसमें इंडिकेटर भी चलेगा। तो भाई अपने को N10 से ये क्या डिफरेंस है, एक तो फुल DRL है प्लस इंडिकेटर है, तो आपको इंडिकेटर भी करके दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हो इंडिकेटर प्रॉपर फंक्शनिंग है और ये आप देख सकते हो इसका इंडिकेटर। और तो ये चीज आपको N10 में नहीं मिलता, N4 लो और N10 प्लस बनाओ, ठीक है। इसके बाद हमने लगाई नीचे महिंद्रा जेन्युइन फोक लाइट, ठीक है भैया। ये देख लीजिए इसके अंदर भी हमने LED डाला है, उसका भी दोनों का थ्रो दिखा देता हूँ, लाइट जला, हेडलाइट, फोक लाइट। तो ये LED आप देख लो और साथ साथ ऊपर भी LED डाला है। 200 वाट की LED है, 2 साल की गारंटी है, नीचे 100 वाट की LED है, 1 साल की गारंटी है, ठीक है। तो ये सामने आपको मैं थ्रो ABS गार्ड आप देख सकते हो, ABS गार्ड भी इंस्टॉल किया है, जो कि जैसा पूरा महिंद्रा से आता है भैया वैसा महिंद्रा से डिटो सेम आता है, ठीक है। इतना अच्छा फिटिंग भी नहीं होता और 9000 प्लस का रेट है। आप हमारे से 5,554 रुपए में लगवा लो, ठीक है। तो ये हमारा आप देख सकते हो फ्रंट की प्रोफाइल पूरी कंप्लीट हो चुकी है भैया, N4 की जो भी रिक्वायरमेंट होती है फ्रंट पे सारी चीजें हो चुकी है। बाकी अब करते हैं साइड से बात, साइड में क्या क्या करके दिए। साइड में बिल कैप लगाया है, ठीक है, जो अलॉय व्हील वाली लुक देगा, ठीक है। इसी के साथ फुटरेस इसमें लग के नहीं आते हैं N4 में, भैया ने महिंद्रा से फुटरेस लगवा लिए, ठीक है भैया। इतने पैसे में मैं इससे 50 गुना बढ़िया फुटरेस लगा देता, फुल ब्लैक, ठीक है। तो ठीक है, बिल आर्क भैया ने बोले थे लगाने के लिए, पर जो भी इशू होगा भैया ने बोले नेक्स्ट टाइम दोबारा आऊंगा तो लगवाऊंगा। बिल आर्क और साइड ग्लाइडिंग, ठीक है, ये भी दोनों अपने पास ऑप्शन है जो कि महिंद्रा N10 में भी लगा के नहीं देता है। इसके बाद डोरवाइजर भी लगाया हमने, 6 पीस क्रोम फिनिश का डोरवाइजर, क्रोम फिनिश का, ठीक है। महिंद्रा इस डोरवाइजर से सीधा डबल पैसे है। मैं 1600 में डोरवाइजर लगाया हूँ, महिंद्रा लेता है 3500 रुपए, जिसमें 4 पीस लग के आता है, एक क्रोम भी नहीं होता है, मैट फिनिश में होता है। 6 पीस भी है, क्रोम भी है, साथ ही साथ लोअर गार्निश भी है, विंडो गार्निश, लोअर विंडो महिंद्रा में आपको नहीं मिलेगा। हैंडल क्रोम लगाया है, ठीक है, हैंडल क्रोम आप देख सकते हो, हैंडल क्रोम भी रहने वाला है। और साथ ही साथ रूफ रेल ऊपर पेस्टिंग वाली रूफ रेल, इस बार पेस्टिंग वाली है पर अपने पास ग्रिल वाली नट बोल्ट वाला भी रूफ रेल है, तो दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे भाई अपने पास। बैक प्रोफाइल से बात करते हैं, बैक प्रोफाइल में हमने रिफ्लेक्टर लगा दिया जो कि मैटिक्स है, पार्किंग ब्रेक इंडिकेटर तीनों पे काम करता है। ये देखो इंडिकेटर पे भी चल रहा है, ब्रेक मारियो, देखो ब्रेक पे रुक गया, ब्रेक पे भी है, इंडिकेटर पे भी है। एंड ये हमारा रियर गार्ड है जो कि डाइजेक्स ब्रांड का है और ये स्पेशली बलेरो के लिए हमने बनवा रखा है, ठीक है, ठीक है। अब तो डिमांड आने लगा दूसरी गाड़ी का, तो जो भी आपके पास गाड़ी हो उसका भी आपको ब्लैक कलर का रियर गार्ड मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये भाई इतना सॉलिड होने वाला ना, आप इसमें खड़े भी हो जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड साथ ही साथ हमने स्पॉइलर लगाया है, ब्रेक वाला है, ब्रेक मारना दोबारा, ये ब्रेक लाइट के साथ है,
ये स्पॉइलर प्रॉपरली वर्किंग है भैया, इसमें अपने पास दोनों मिल जाएगा, आफ्टर मार्केट भी है, आफ्टर मार्केट महिंद्रा जेन्युइन दोनों मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा स्पॉइलर है जो ब्रेक लाइट के साथ है और ये भी डाइजेक्स ब्रांड का है, रॉकी बेज कलर का, सेम डिट्टो कलर है, कलर भी आप देख लो भाई प्रॉपरली मैच है, एंड साथ ही साथ कैमरा भी नीचे भैया मैं देख सकता हूँ, कैमरा अगर आप कंपनी से लगवाओ कैमरा यहाँ लगा के देगा कंपनी, आधा स्क्रीन पे आपको टैड आएगा। ठीक है भैया, ठीक है, हमारा कैमरा लगाने का तरीका कुछ ऐसा है और पूरा HD कैमरा है, मेगा ऑडियो ब्रांड का है और फुल HD कैमरा है, फुल HD है, बाकी अंदर से भी हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज अब हम करते हैं बैक सीट से बात, तो पीछे के सबसे पहले हमारे सीट कवर, ये डिज़ाइन अभी थोड़ा हमने पहले ही लगाया था भैया और लोगों को पसंद आ रहा है ये डिज़ाइन। ये डिज़ाइन हमारा कुछ क्या कहते हैं डायमंड कट में है, ब्लैक बेज की कॉम्बिनेशन है जो गाड़ी के अंदर का टोन है उसके हिसाब से, ठीक है, और हमारा बेबी सीट के अंदर भी हमने पूरी कस्टमाइज सीट को लगा रखा है, देखो आपको यहाँ से भी ये पकड़ में नहीं आएगा, कहीं से हिलेगा नहीं, पूरा फुल बकेट लगा हुआ है। ठीक है भैया, नीचे हमने फ्लोरिंग मैट भी किया है, पूरी फ्लोरिंग गाड़ी में देख सकते हो वाटरप्रूफ फ्लोरिंग, पूरी गाड़ी को वाटरप्रूफ मैं देख सकता हूँ जैसा कि किया गया है, और ये हमारी फ्लोरिंग मैट नीचे किया है। ठीक है, उसके बाद भैया ने 7D मैट डलवा के लाए थे, इसके अंदर देखो मार्केट में लोग कैसे पैसे बचाता है, 7D मैट तो 7D के नाम से बिक जाता है, ठीक है, पर उसमें भी क्वालिटी होते हैं अलग अलग। ठीक है, आप लोग हमारे 7D मैट भी डला हुआ देखते होंगे, खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग का, और उसके अंदर भी आपको ग्रास मिलता है जिससे कि आप डायरेक्ट इस पे पैर रखेंगे तो ये घिस जाएगा जल्दी, उसके ग्रास पे इतनी जल्दी वो घिसता नहीं है, और मिट्टी जो भी फैलना होता है वो ग्रास के अंदर होता है, आप इजी वेलक्रो से ग्रास निकालो बाहर, मिट्टी साफ कर सकते हैं, इस पे गीला कपड़ा मारिए साफ। अब इसमें जूते चप्पल में कोई कील हो कुछ भी हो तो ये मैट एक बार में सुराख हो जाएगा, मैट खत्म हो जाएगा। ये तो भाई ये आप फ़र्क देख सकते हो जैसा भैया बता रहे हैं, तो ये फ़र्क आपको क्वालिटी में मिलेगी और थोड़ा रेट का भी ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, ये जो उतरा हुआ सामान भैया एक बार दिखा देते हैं, हम सिस्टम लगाते हैं तो ये कंपनी से इसको ढका हुआ एक बैजल देता है जो कि निकालना पड़ता है, निकाल दिया हमने और पियानो ब्लैक का बैजल लगा दिया, अभी हम आपको अंदर दिखाते हैं। इसी के साथ हमने रिफ्लेक्टर हटा के डमी है, इसमें कोई लाइट नहीं है, कोई बल्ब नहीं लगा हुआ है, आप लोगों के सामने निकाल के हमने लाइट वाली रिफ्लेक्टर लगा दिया। तो अभी गाइस करते हैं अंदर से बात, अंदर से दिखाते हैं क्या क्या करते हैं। तो ये हमारा सेंटर की सीट है, इसके अंदर भी हमने सारी ये नहीं कि फ्रंट पे हमने डिजाइन डाल दी, बेबी सीट में डिजाइन नहीं डाला, उसमें भी हमारा डिजाइन है, प्लस आपको सेंटर में भी डिजाइन है और ऊपर नीचे सेम मैचिंग है भाई, मतलब जैसे सेम डिजाइन रनिंग है ना हर सीट है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो सेम रनिंग डिजाइन है, थाई सपोर्ट करके ये पूरा पैडिंग करके लगा हुआ है सीट को, हमारा बैक सपोर्ट के साथ आप चेक कर सकते हैं, एक एक सिलाई चेक कर सकते हैं, कोई आपको कहीं से टेढ़ी मेढ़ी नहीं दिखेगा भाई, ये फर्क है भाई अपने बाकी आर्मरेस्ट का भी जो भी हमारे पास ऑप्शन है। सीट कवर हमारा हो गया, सीट कवर के साथ भाई जिन भाई के पास N4 N8 है उसमें कंपनी आर्मरेस्ट नहीं देता है, आर्मरेस्ट का भी हमारे पास ऑप्शन है, आप आर्मरेस्ट भी लगा सकते हैं या आप लीवर भी लगवा सकते हैं जिससे सीट फोल्ड हो जाएगा, तो दोनों ऑप्शन है, उसके लिए आपके बजट अच्छा होना चाहिए, टाइम आपके पास होना चाहिए। ठीक है, दोनों ये पूरा बैक का हो गया, यहाँ पे स्विच देता है, फ्रंट पे स्विच नहीं आते इस तरीके से, तो आपको ये स्विच भी मिल जाएगा फ्रंट पे, आपने हमारी काफ़ी सारी गाड़ियों में वीडियो में देखे होंगे स्विच लगा हुआ। ठीक है, साथ ही साथ ये पार्ट भी N10 में सिल्वर आता है, सेम डिट्टो N10 का पीस आपको ये मिल जाएगा, यह हुआ जो हमने अभी लास्ट वाली वीडियो में डाला था सिल्वर पार्ट, वो अवेलेबल है N4 के लिए भी, तो आप लगवा सकते हैं, वो सिल्वर पार्ट भी हमारे पास रहने वाला है। बाकी गाइस एक बार फ्रंट से बात करते हैं कि फ्रंट से और क्या क्या करके दिया हमने, एक तो हमारा चारों बैजिंग लगा है, ये बैजिंग आप देख सकते हो बोलेरो नियो का। ठीक है भैया, ठीक है, भैया ने यहाँ स्विच नहीं लगवाए हैं, यहाँ स्विच भी लग जाएगा, ये सिल्वर भी हो जाएगा। ठीक है, भैया ने ये साइड ग्लास बोले थे मुझे लगाने के लिए, पर बजट उजट का जो भी वो ऑप्शन हो, स्टेयरिंग भी बोले थे पर बोले नेक्स्ट टाइम कराऊंगा दोनों चीज़, तो ये आपको यहाँ पे स्विच की जगह बना हुआ है, आप यहाँ स्विच लगवा के साइड ग्लास भी लगवा सकते हैं, दोनों एसी बैजल भी आप सिल्वर वाले करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं हमारे से। ठीक है भैया, ठीक है, ये सारा कुछ ऑप्शन है। बाकी स्टीयरिंग कवर ऐसे लगेगा अगर फुल नहीं होता है तो हम इस तरीके से लगाते हैं, बटन इसमें है नहीं, बटन नहीं होते, पर बटन वाले स्टीयरिंग भी आपको मिल जाता है जिसके अंदर यहाँ से बैजिंग सिल्वर होता है। ठीक है भैया, ठीक है, सीट को हमारा फ्रंट का उसी तरीके से थाई सपोर्ट के साथ है, आप लोग चेक कर सकते हैं, आप अलग से थाई सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हो भाई, अलग से फोम पैडिंग वगैरह एक्स्ट्रा डाली जाती है सारी चीजें। एंड ये आर्मरेस्ट में देख सकते हो, मुझे ये भी लगाया गया, इसमें आर्मरेस्ट भी हमने लगाया है, आप लोगों के सामने है, चेक कर लीजिए। ठीक है, आर्मरेस्ट देख सकते हो, और साथ ही साथ फिटिंग पूरी जैसे N10 में आर्मरेस्ट लग के आता है कंपनी, वही फिटिंग है, और स्क्रीन की बात, ऊपर सनग्लास होल्डर लगाया है, सनग्लास होल्डर जैसा प्रॉपर हम इस गाड़ी में लगाते आ ही रहे हैं, कोई गैप कोई कटिंग
कुछ नहीं एक्स्ट्रा आपको दिखेगा एंड प्रॉपर फंक्शनिंग वाला रहने वाला है। चश्मा रखने का भी ऑप्शन है आप लोगों के पास, लाइट भी है और यहाँ की लाइट भी जो भैया पीछे पीछे का लाइट कर दी हमने, यहाँ आप देख सकते हो पीछे चली गई लाइट जो हो सकती है। एंड यही स्क्रीन पियानो फिनिश में, पियानो बेजल के साथ आपको स्क्रीन मिल जाता है जो ब्रांड चाहिए उस ब्रांड का। इसमें अभी मेगा ऑडियो का ट्रोनी लगाया हमने, पर अगर आप ये सिल्वर कराते हैं दोनों एसी बेजल चारों ग्रैप हैंडल तो आपको ये पार्ट भी सिल्वर मिल जाएगा। प्लस ये फ्रेम में N10 के अंदर जो बैजिंग आता है ये सिल्वर फ्रेम में आते हैं, पियानो ब्लैक के साथ सिल्वर होता है, तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है, वो भी मिल जाएगा। पीछे तो चार्जर पॉइंट नहीं आता, यहाँ पे चार्जर पॉइंट भी हमने लगा दिया है, चार्जिंग पॉइंट भी जो हमने यहाँ पे दिया, प्रॉपर फंक्शनिंग वाला रहने वाला है। जी एंड ये सारा कुछ फ्रंट की लुक आप देख सकते हो इस बलेरो न्यू N4 में हमने दी है। बाकी विजय भैया हमने इसमें डैम्पिंग भी करी है, इसके अंदर हमने ड्यूटी फ्री का डंपिंग भी किया है, ठीक है। आगे हमने स्पीकर लगाया है JBL स्टेट 2 का कंपोनेंट, पीछे स्टेट 2 का 6 इंची स्पीकर, ठीक है। इसमें कोई एम्पलीफायर नहीं है, कोई गुफा नहीं लगा हुआ है, पर आप लोगों का अगर बजट अच्छा हो तो आप इससे और अपडेट स्पीकर लगवा सकते हैं हमारे से, या एम्पलीफायर या इनकुलाइजर JBL सोनी पानियर हर ब्रांड का हमारे पास पीछे डिग्गी में लगाने के लिए एक्स्ट्रा गुफर है, वो भी आप लगवा सकते हैं। बाकी डैम्पिंग का भी एक बार मैं बोलूंगा, डैम्पिंग के बेनिफिट आपको हैंड टू हैंड दिख जाता है, ये देखिए देख सकते हो भाई प्रॉपरली सॉलिड दरवाजे हो चुके हैं। चाहने को आप ऊपर भी करवा सकते हैं डैम्पिंग, हीट का थोड़ा सा इशू कम हो जाता है जब अगर हम ऊपर कराते हैं, कम नहीं काफी कम हो जाता है। अगर डोर में डंपिंग करने के बाद भी आपको रोड नॉइस नहीं आता है, स्पीकर की आवाज़ अच्छा आता है, एसी के कूलिंग बढ़ जाता है, काफ़ी फायदे है। कोई थोड़े से पैसे लगते हैं, गाड़ी लंबे टाइम के लिए आदमी लेता है, पर आपको बेनिफिट उसका बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इस गाड़ी का मैं बोलूँ काम था विजय भैया, सारी चीज़ें इसमें और भी कुछ चीज़ें इसमें हो सकती है, आप हमारे पिछले वीडियोज़ में चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें इस गाड़ी के हमारे पास अवेलेबल हैं। बाकी भैया कस्टमर भी हमारे साथ ही है तो फिर उनसे ले लेते हैं रिव्यू कहाँ से वो आए। बिल्कुल, तो गाइस कार के ओनर भी हमारे साथ आ चुके हैं, जानते हैं कहाँ से आए हैं और कैसे इनको काम लगा। तो वेलकम टू कुछ सिलकार के भैया, क्या नाम है आपका? मेरा विक्की नाम है मेरा, और गाजियाबाद से आया हूँ मैं। तो फर्स्ट टाइम है हमारी शॉप पे? फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसे पता चला भैया शॉप पे बारे? ये यूट्यूब पे वीडियो देखता रहता था इनका, आप उसी से ही पता लगा मुझे क्रिस्टल कार के बारे में। ठीक है, ओवरऑल मैं काम का पूछूं भैया, काम अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी गाड़ी N4 थी, मैंने सुना आज सबसे बात हुई थी तो आपने वीडियो देख के N4 लिया, N10 का आपका शायद थोड़ा प्लान था। हाँ हाँ, तो काम अब कंप्लीट हो चुका है भैया, काम की फिनिशिंग वगैरह कैसी रहने वाली है? तो बढ़िया है, सही लग रही है, अच्छा हुआ है, जैसे वीडियो में देखते हुए इसी तरीके से ही काम करके दिया है। जैसा भी दिखाया जाता है वैसे ही काम मिला आपको? वैसे ही काम मिला है, इसमें जैसे वीडियो में देखते हैं इसी तरीके से काम करके दिया है विजय भैया ने। विजय भैया जैसा जो एक होता है बताना दिखाना, एक जब आदमी अपनी गाड़ी में काम करता है तो आपने जो वीडियो में देखे उसके अगेंस्ट आपको कैसा लगा काम, जो सीट कवर की फिटिंग आपने मोबाइल पे देखे होंगे या DRL की या सिस्टम की, उसमें और आप अपनी गाड़ी पे जो काम कराया उसमें कुछ अंतर दिखा? नहीं नहीं 100% सेटिस्फाई हूँ मैं काम से, बिल्कुल हाई सपोर्ट वगैरह बिल्कुल प्रॉपर बढ़िया दे रखा है इन्होंने, और ये जो आर्म रेस्ट वगैरह भी जो इन्होंने बनाया है बिल्कुल बढ़िया बनाया है। मैं बोलूँ भैया जैसा दिखाया जाता है काम वैसे ही मिला? हाँ बिल्कुल वैसे ही है। रेट के लेके क्या कहोगे, रेट में कोई इशू? हाँ रेट भी ठीक है, सही है, कोई इशू नहीं है हमें तो। और जो जो रिक्वायरमेंट थी भैया सारी मिल गई आपको? हाँ जी हाँ जी, चीज़ें सारी मिली हैं। तो भैया अपने दोस्तों को ज़रूर रिकमेंड करना, जो जोर था जोर से ज़्यादा ही चीज़ मिला भैया को, ठीक है। कुछ चीज़ भैया ने मना कर दी है, ठीक है बाद में लगाऊंगा, अगली बार ही आके लगवाएंगे क्योंकि थोड़ा बजट का इशू भी देखा जाता है। ठीक है, दो तीन चीज़ें हैं जैसे साइड ग्लास वगैरह स्टेयरिंग वगैरह जो भैया नेक्स्ट विजिट में करवाएं, और एक पीस नहीं है, आपने देखा ही होगा एक एक साथ चार चार पाँच पाँच बलेरो खड़ा होता है, ठीक है। आज तो चलो एक गाड़ी थी, कल तो 5 गाड़ी था, कल मैंने इस भीड़ की वजह से मैं भूल भी गया आपको बोलना। तो गाइस कल भी अपने पास रोज ही बलेरो आती है, तो बलेरो का सारी मॉडिफिकेशन रेडी स्टॉक आपको क्रिस्टल कार गेयर पे अवेलेबल रहेगा। तो गाइस करते हैं फिर विजय भैया आज की वीडियो में खत्म, थैंक यू सो मच भैया अपने टाइम देने के लिए, भैया आपको भी थैंक यू।